मोटापा या ओबेसिटी की वजह से क्या क्या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें मोटापे की, तो इंडिया में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, और जो लोग मोटे रहते हैं उनको ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, हील पेन या फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। मोटापा क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए, उतना आपका वेट होना चाहिए। तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न करीब 60 के करीब होना चाहिए। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ऊपर है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मली अगर ये 25 से 30 के बीच में रहता है तो फिर भी एक्सेप्टेबल रहता है। अगर कोई बहुत ही मोटा है तो आप देखेंगे कि उसको कमर दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है यंग एज में ही। कमर दर्द के कारण उनकी लाइफस्टाइल अफेक्ट होनी शुरू होती है, और अगर वो टाइमली इसका इलाज नहीं करते, अपना वज़न कम नहीं करते, तो ये बैक पेन परसिस्टेंट भी बन सकता है। हमने यंग पेशेंट्स में भी देखा है कि जिनका वज़न ज़्यादा रहता है उनको स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनको कमर का दर्द या पैरों में करंट की तरह दर्द जाना बना रहता है। कभी कभी अगर वो मोटापा कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उन्हें इसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मोटे लोगों में नी अर्थराइटिस या नी पेन बहुत कॉमन देखा जाता है। अगर कोई बहुत मोटा है और अपना वज़न कम नहीं कर पा रहा, तो जैसे जैसे वो 40 या 45 की उम्र तक पहुंचते हैं उनका अर्थराइटिस बढ़ जाता है, और कभी कभी तो उन्हें अर्ली नी रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, मोटे लोगों को एडी में दर्द या प्लांटर फेशियाइटिस भी बहुत कॉमनली होता है। थोड़ी देर कहीं खड़े हो जाएँ तो एडी में दर्द शुरू हो जाता है। अगर मोटापे के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी हो तो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर से देखा गया है कि अगर कोई बहुत मोटा है और एक्सरसाइज नहीं करता तो ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाता है, और छोटी सी चोट लगने से भी फ्रैक्चर होना, जैसे वर्टिब्रल फ्रैक्चर या थाई बोन का फ्रैक्चर, इस तरह के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अगर मोटापा डायबिटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड है तो फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशंस, जिसमें कि कंधे का मूवमेंट जाम हो जाता है, रात में दर्द होता है, इस तरह की दिक्कतें भी बहुत कॉमन हो जाती हैं। मोटे लोगों में ये भी देखा गया है कि रिहैबिलिटेशन या सर्जरी के बाद की ज़िंदगी या सर्जरी की सक्सेस रेट पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बहुत मोटा है और नी रिप्लेसमेंट कराता है तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ज़्यादा लंबा चलता है, उसमें उनको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, और ये भी हो सकता है कि मोटापे की वजह से उनको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जल्दी करानी पड़े। क्योंकि मोटापे की वजह से सारे ही जोड़ों पे जोर आता है, इस वजह से अगर नी रिप्लेसमेंट या कोई सर्जरी भी उन्होंने पहले कराई है, जैसे अगर कोई थाई बोन फ्रैक्चर है जिसके लिए उनको रॉड डाली गई है, तो इम्प्लांट फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में कभी कभी अगर हम सिर्फ पेशेंट को यही कहते हैं कि अगर आप अपना वज़न भी कम कर लें तो भी आपकी हम सर्जरी टाल पाएंगे, वो पेशेंट जो रेगुलर एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल से, या कभी कभी बेरियाट्रिक सर्जरी करा के भी अपना वज़न कंट्रोल कर लेते हैं, तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि हम उनकी सर्जरी टाल पाते हैं। ये ख़ास तौर से नी रिप्लेसमेंट या बैक सर्जरीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बहुत मोटा है और वह बेरियाट्रिक सर्जरी या डाइटिंग से अपना वेट कम कर लेता है, तो 90% लोगों में ये भी देखा गया है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम उनको कुछ बैक मसल स्ट्रेंथनिंग या नी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं और उसी से उनका इलाज हो जाता है। मोटापा अपने आप में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके साथ में और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियाँ चिपक जाती हैं। कोई भी पेशेंट जिसका कि बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है या बहुत मोटा है या जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो फ्यूचर में फिट रहना चाहते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो उनको अपना मोटापा कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा कंट्रोल करना आपको शुगर कंट्रोल में और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। इससे आप एक लॉन्ग और एक्टिव लाइफ जी पाएंगे, और आपको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जैसे बैक पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका, नी पेन, नी अर्थराइटिस, नी रिप्लेसमेंट या फिर एडी का दर्द, इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। आप एक अच्छा वेट मेंटेन करें, अच्छी एक लाइफस्टाइल रखें, खाना पीना अच्छा रखें, इससे आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, इससे आपको फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने के भी चांसेस कम रहेंगे। मैं अपने सभी मरीजों को सलाह देता हूँ कि अगर उनको यंग एज में नी पेन या बैक पेन शुरू हुआ है, तो उनको एक तो अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी रहे, और साथ ही में एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए।
ज़्यादातर मरीज इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाते हैं और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।